देखिए, जैसा आप लोग अवगत हैं कि जो बैंक मैनेजर के साथ जो लूट और हत्याकांड हुआ था, उसमें पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, आप लोग सभी उपस्थित थे उसमें। उसमें एक 50,000 का इनामी धीरेंद्र सिंह वांछित था, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से 4.5 लाख रुपया और जो बैंक मैनेजर थे उनकी जो आईडीज थी, एटीएम कार्ड थे, वो बरामद हुए हैं। इस तरीके से अब तक इस केस में 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये अंतिम मुलजिम था जिसकी गिरफ्तारी इसमें हो गई है। पुलिस ने तह पर तह जाके जो है सारे मुलजिमों की गिरफ्तारी करी है। इसमें लगभग 45 लाख रुपया जो है कैश इसमें रिकवर भी हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो 47 लाख रुपया गया था उसमें ऑलमोस्ट जो है पूरी रिकवरी हो गई है। जो कुछ पैसा था वो, क्योंकि ये आवारा किस्म के लड़के हैं, इनके द्वारा जो है अपना मौज मस्ती में इधर उधर उस पैसे को 1.5-2 लाख रुपये इन्होंने खर्च भी कर दिया गया था। 14 लोग थे ये, लोग जो है कोर्ट में पेश होने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम्स लगी हुई थी जिनकी गिरफ्तारी हमने कुछ, तो इस तरीके से ये इनकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये 14 लोग पूरे गिरफ्तार हुए। केस का जो है ये सभी मुलजिम आज अकाउंट फायर हो गए हैं और रिकवरी भी इसमें लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें अब पुलिस की जो कार्रवाई वो शेष है, जल्दी ही इनके ऊपर हम लोग गैंगस्टर हिस्ट्री शीट और गैंग पंजीकरण की इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो है इनके ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी कि आने वाले वर्षों में भी कोई इस तरह घटना ना कर पाए। देखिए, बैंक की जो जांच है वो अपने स्तर पर अलग चल रही है क्योंकि उनका विभागीय मामला है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, क्योंकि बैंक मैनेजर खुद ही बैंक से निकाल के लाए थे, वो भी एक उनकी जांच का विषय है। तो बैंक कर्मी की किसी की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये लोग सब लोग जो हैं, जो अन्य लोग हैं बैंक कर्मी से, वो लोग सब की गिरफ्तारी हुई। देखिए, ये केस बड़ा उलझा हुआ था इसमें, क्योंकि ये श्योर नहीं था कि भाई इन लोगों को भी पूरा एग्जैक्ट नहीं मालूम था कि कितना पैसा है क्या है, लेकिन क्योंकि बैंक से जो है, जो बैंक ने अब तक हमें बताया है, तो 47 लाख रुपए का उन्होंने हिसाब बताया है, तो यही माना जा रहा है कि 47 लाख रुपए ही उसमें रहा होगा। तो 47 में से 45 लाख से ज़्यादा की कैश की रिकवरी हुई है इसमें, इस पूरे केस में, और बाकी जैसे मैंने बताया कुछ पैसा इन लोगों ने अपने ऊपर खर्च भी कर लिया था। तो वो पुलिस टीम को कोई इनाम वगैरह, ये 50,000 का इसके ऊपर इनाम था, जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उनके ये 50,000 रुपये का इनाम, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इनाम था 50,000 रुपये।